देखिए आपको सीधी तस्वीर में भाई वीरेंद्र की दिखाऊंगी जो इस वक्त कैमरे में है, और इनसे सिर्फ एक सवाल होगा कि नीतीश कुमार ने कहा है कि ट्रांसफर पोस्टिंग कराते हैं आप। अरे जाने दो हमको, हमको जाने दो। सुनिए सवाल सुन लीजिए, ट्रांसफर पोस्टिंग कराते हैं आप, ये आरोप नीतीश कुमार ने लगाया। अरे पहले इसका जवाब दे देने दीजिए ना रुपेश जी। कहने का मतलब है कि जब यही जानते थे कि यहाँ ये चीज होता है तो आए थे काहे के लिए? लालू यादव से कह के कि भैया हमको जान बचाइए और बीजेपी से पिंड छुड़वाइए, किसने गया था? 10 नंबर चलकर गए थे और कहे थे कि आप लोग विश्वास भरोसा रखिए, कब मैं आया हूँ अब कभी नहीं जाऊँगा और बीजेपी को हम गद्दी से उतारेंगे और भाजपा मुक्त सरकार बनाएंगे। आपके तो अपने 3 साथी साथ नहीं रहे, साथ छोड़कर चले गए। भरी जो सवाल आप कर रहे हैं उसका जवाब देंगे। मैंने मैंने कभी नहीं कहा आगे खेला करेंगे, मैंने 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 कभी नहीं कहा। साथी आपके कोई अगर विजुअल है हमारा ये कहने का खेला करेंगे, मैंने कभी नहीं कहा। वीरेंद्र जी सवाल के, 3 साथी आपके, 3 विधायक आपके चले गए, ये हमारे नेता तय करेंगे क्या करेंगे? ऐसा सोच आप लोगों ने सोचा था इसकी उम्मीद? हमारे हमारे नेता इस पर फैसला लेंगे, इस पर हमको कोई अब उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, इसलिए कि हम तो बहुत पहले से विश्वास नहीं करते थे लेकिन नेता को भरोसा था तो हम क्या करते। बड़ी खबर है रोमाना, ये बता रहे हैं कि हमको पहले से भरोसा नहीं था कि ये साथ रहेंगे। वो जो विधायक जिसको लेकर इस वक्त कहा जा रहा है कि साथ में क्रिकेट खेला, चेस खेला, तेजस्वी के साथ उनके घर पर मौजूद रहे, अचानक रात को 9 बजे खबर आती है कि उनके भाई ऐसे ऐसा शिकायत किया है, और उसके बाद वो घर से निकलते हैं रात के तकरीबन 1 बजे और आज जाकर सदन में सबके सामने वो सत्ता पक्ष के साथ बैठ जाते हैं, और उसी के बारे में कहीं ना कहीं कह रहे हैं भाई वीरेंद्र कि हमें लग रहा था कि ऐसा कुछ होगा लेकिन अब जो फैसला लेंगे वो हमारे नेता लेंगे। फिलहाल एक एक RJD के जो विधायक है जो खेला की बात कर रहे थे उनके चेहरे का रंग बता रहा है कि जो सोचा था उसके बिल्कुल उलट हुआ है। और मुझसे तो एक विधायक ने कहा कि यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, इस तरीके की बातें विधायक जो है वो कर रहे हैं कि कहीं बिल्कुल कहीं वो जो दर्द है RJD का वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। और चेतन आनंद को लेकर जिस तरीके से आप बात कर रही हैं, मतलब यहाँ तो खेल खेल में ही चेतन आनंद ने खेला कर दिया खुद RJD के साथ, और RJD की तरफ से बड़ा दावा किया जा रहा था कि साहब खेला होगा, पिक्चर अभी बाकी है, लेकिन ये सारे के सारे दावे और दाव RJD के उल्टे पड़ गए। जिस तरीके से झटका RJD को लग गया, RJD के अपने 3 विधायक पाला बदलकर JDU के साथ, सत्ताधारी गठबंधन के साथ नजर आए, तो कुल मिलाकर यहां पर बढ़त NDA को मिली है। NDA ने अपना नंबर इंप्रूव कर लिया है, 128 के मुकाबले 129 पक्ष में विश्वास मत वाला जो प्रस्ताव आया नीतीश सरकार की तरफ से उसके पक्ष में वोट पड़े हैं, और विपक्ष का आंकड़ा 0, क्योंकि जाहिर सी बात है विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया था। अब नेता धीरे धीरे कर विधानसभा से बाहर निकल रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया आ रही है, शशांक भी वहीं पर मौजूद है, और उनके साथ कौन कौन विधायक मौजूद है शशांक आपके पास, और किस तरीके की प्रतिक्रियाएं आपको सुनने को मिल रही है? मेरे साथ RJD विधायक विजय मंडल हैं, हम सीधा बात करेंगे। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, नीतीश को अभी बहुमत साबित करना था, आप लोग वॉकआउट कर गए, आप लोग तो दोनों जगह हार गए, आप लोग खेला होने का दावा कर रहे थे, खेला तो आपके साथ हो गया। वो उनके साथ खेला, उनके भी 5 विधायक वोट नहीं किया अध्यक्ष में, तो इसमें खेला नहीं हुआ। उनके जो नहीं आए थे उसमें से 4 आ गए अभी, हम तो जब जान गए कि हम हमारे ही 3 टूट गए इसलिए चले गए, उनके 10 विधायक टूटे हुए थे। ये बताइए अब तो आप लोग सरकार NDA की बन गई, सरकार का भविष्य क्या लग रहा है? अब समय बताएगा उनका भविष्य। आपके 3 विधायक पाला बदल लिया, आप लोग सोचे थे कि इतना बड़ा झटका लगेगा? नीलम देवी आनंद सिंह की पत्नी, चेतन आनंद, आनंद मोहन के बेटे, प्रहलाद यादव आपके इतने पुराने नेता, वरिष्ठ नेता, ये लोग टूट गए। इसमें मैं बस इतना ही कहूँगा कि समय बताएगा। हाँ। और कुछ मैं नहीं कहूँगा, समय बताएगा। और समय आप किस खेला की उम्मीद आप कर रहे हैं? आप तो 6 महीने के लिए सरकार निश्चिंत हो गई, समय आएगा और उस पर हम देखेंगे। अभी आप तो वही विधायक है ना जो कह रहे थे 4 दिन पहले कि CM हाउस से एक अधिकारी फोन कर रहे हैं, आप लोग को समर्थन मांग रहे हैं। अरे रात नंगा नाच नहीं देखे, CM आवा तेजस्वी जी के आवास को घेरा गया और वो अफसर वहाँ गए और वहाँ से मैं पकड़ के ले गए चेतन आनंद, कैसे होता है? लोग तो मांझी जी को CM पद का ऑफर दिए तो वो भी तो फेल हो गया। वो हो गया तो अब तो उन पर निर्भर न करता। जो RJD के विधायक है उनको जवाब देते नहीं बन रहा है,
दावा बड़े बड़ा तेजस्वी कर रहे थे, लेकिन खेला जो है तेजस्वी के साथ ही हो गया। तीन अहम विधायक जो हैं वो टूट गए हैं और सरकार और तेजस्वी यादव को मिली है हार। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।